हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ रिंकी। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये पेंडोनस का प्लांट है। ये एक, ये देखिए, इसमें थोड़ी सी ऊपर से फंगस लग रही है। तो ये इस पे, इसके जो साइड से ब्रांच निकल रही है उसमें भी इसमें फंगस का अटैक हो गया है। तो इसको, आज का टॉपिक है कि ये मरते हुए प्लांट्स को हम कैसे बचा सकते हैं और इसकी प्रोपगेशन क्या होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ ऊपर से इसकी जो फंगस अटैक हो गया इस पे, तो ये साइड से जो भी ब्रांचेस निकल रही है, जो भी नई ग्रोथ है, उसको हम यहाँ से साइड से हटा देंगे। तो ये बहुत सारे मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे ये प्लांट, और काफ़ी ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे हमारे एक प्लांट से। तो ये है आज का वीडियो। तो चलिए इसके वीडियो, ये जो ये ब्रांचेस है इसमें देखिए, ये रूट्स भी है, इसमें ऊपर से रूट्स निकलती है जिसे एरियल रूट्स कह सकते हैं हम। तो देख, ये जो साइड से नई ग्रोथ है इसको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि इस पर भी अगर मैंने नहीं हटाया तो ये फंगस अटैक हो जाएगा इन पे भी, और धीरे धीरे प्लांट पूरा मर जाएगा, सड़ जाएगा। तो ऊपर से तो स्टार्ट ही हो गई है इसकी, सड़न शुरू हो गई है। तो ये देखिए, थोड़ा ये जो ऊपर का पोर्शन है ये पूरा गल गया है, तो इसको मैं हटा रही हूँ। तो ये जो भी ये साइड से नए प्लांट, जो भी ब्रांचेस निकल रही है उसको मैं हटा दूँगी और ऊपर से इसको कट कर दूँगी। तो ये जो भी आपको सूखी हुई लीव्स दिखे उसको आप रिमूव कर दीजिए, और इससे मिट्टी में लगा देंगे तो हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और उसकी, ये देखिए, इसमें भी थोड़ा सा फंगस का अटैक हो गया है। तो कोई बात नहीं, इसको हम नीचे से थोड़ा सा कट कर देंगे और फंगीसाइड पाउडर में इसको मिला के इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो ये सही हो जाएगी। उसके बाद हम इसको लगा सकते हैं। तो ये ऊपर से ये प्लांट मैं हटा दूँगी इसको। ये देखिए, पूरा सड़ गया है ये ऊपर से, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। ये सूखी लीव्स जितनी भी दिख रही है इन सबको रिमूव कर देना है, इससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये प्लांट, एक प्लांट ले आए आप, अगर आपके पास एक प्लांट होगा ये, तो आप इससे ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये बहुत सारे नई नई ब्रांचेस निकालता रहता है, जिससे हम इसको आसानी से अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये पिछली बार मैं, हाँ, लगभग साल भर पहले मैं लेके आई थी नर्सरी से प्लांट। काफ़ी कॉस्टली होते हैं इसके प्लांट, 150-200 समथिंग ऐसे होते हैं इसके प्लांट। तो मैं ये एक लाई थी, ये मुझे 180 का पड़ा था। तो बहुत कॉस्टली होते हैं, पर कोई बात नहीं, एक बार आ जाता है हमारे पास, तो ये बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं हम इससे। ये देखने में तो स्पाइडर प्लांट की तरह ही लगता है। देखिए, इसकी लीव्स भी स्पाइडर प्लांट की तरह जैसी ही है। तो इसमें जो बिगनर्स हैं उसको कोई मतलब स्पाइडर प्लांट और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं लगता है दिखने से, हमें भी नहीं लगता है फ़र्क। तो बट ये एक अलग वेराइटी है, स्पाइडर एक अलग प्लांट होता है, और ये एक्चुअली केवड़ा कह सकते हैं इसको, केवड़ा की वेराइटी है ये। तो ये देखिए, ऊपर से मैं इसको यहाँ से काट दूँगी, तो जिससे ये इसका फंगस अटैक नहीं होगा और ये पूरा प्लांट ख़राब होने से बच जाएगा। तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेलडन होनी चाहिए, देखिए इस तरीके से। इसकी मैं गुड़ाई कर दूँगी, तो अच्छे से इसकी, ये देखिए, इसकी एरियल रूट्स ये इस तरीके से होती है, ये ऊपर से भी निकलती है इसकी रूट्स। तो ये कुछ इस तरीके से होता है इसका प्लांट, तो ये देखिए। यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। ये साइड से भी दो और छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं इसके, बट इसमें तो कोई, ऊपर से काट दूँगी इसको, तो इसको सड़ने का कोई चांस नहीं है, डर नहीं है। तो इसको इसमें ही रहने देती हूँ, और बाकी के जो मैंने निकाले हैं प्लांट्स, जिसको मैंने सेपरेट किया है उसी प्लांट से, तो ये देखिए मेरे पास कितने सारे हो गए हैं।
ये इसके सूखी हुई लीव्स हटा दो, और बस ये जो भी सूखी हुई लीव्स दिखती है उसको हमें रिमूव कर देना है ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे। तो ये देखिए कितने सारे हैं मेरे पास, ये एक ही प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बन जाते हैं। ये एक दो तीन चार पाँच, और एक ये छोटे छोटू सा साइड में, बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह ही लगते हैं ये। ये देखिए मेरे पास अभी कितने, तीन तीन छः सात सात, और एक ही आठ। इसका तो चांस नहीं लगता है, बट फिर भी देखते हैं। ये हो गए मेरे, ये मैंने डिवाइड करके सात प्लांट बना लिए हैं इससे। ये नर्सरी में हमें एक प्लांट काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो हम इसे डिवाइड करके भी ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए जो ऊपर का पोर्शन है इसको शार्प नाइफ की हेल्प से हमें काट देना है, क्योंकि कटर से तो इतनी मोटी ब्रांच तो कट नहीं सकती, तो चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको काट देना है, शार्प नाइफ लीजिए जिससे ये आसानी से कट जाएगा। और काटने के बाद ये हमें इस पर ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इस पर फंगीसाइड पाउडर लगा दें ताकि इस पर फंगस वापस से अटैक ना हो। ये इस तरीके से सूखा हुआ पाउडर, ये इससे बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है हमें। अब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक मग में मैं फंगीसाइड पाउडर ले रही हूँ, जिसको मैं पानी में ऐसे डाइल्यूट करके फिर इसमें जो भी मैंने प्लांट्स निकाले हैं उसमें से जो बेबी प्लांट्स जो उसमें से नई ब्रांचेस निकली थी वो सारे इसमें एक दो घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैं, ताकि उसमें जो भी फंगस का अटैक हुआ था या जो भी कुछ बीमारियां होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमें मिट्टी में इसको लगाना है, डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाएं, क्योंकि वो फंगस का अटैक था उसमें, तो वो प्लांट सही नहीं था, तो उसकी कटिंग हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते इस प्लांट जिससे मतलब दूसरा प्लांट नहीं रेडी कर सकते। तो पहले जो भी कटिंग निकले या जो भी कुछ हम लगा रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं चाहे उससे उसको मल्टीप्लाई करके लगा रहे हैं, तो पहले फंगीसाइड के पानी में इसको रख दीजिए एक दो घंटे के लिए, उस देन उसके बाद हमें मिट्टी में लगाना है, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो ये एक दो घंटे के लिए मैं इसको शेड में छोड़ दूँगी। और फिर ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं इसको एक दो घंटे के बाद, और इसको थोड़ा सा सूख जाइए उसके बाद हमें इसको मिट्टी में लगाना है। तो मिट्टी में बिल्कुल मैंने वेलरेन ली है और इसको पानी बिल्कुल पानी डाल दिया है ताकि ये मॉइस्ट हो गई अच्छे से और ये इजीली इसमें लग जाएगी। तो ये बस हमें इतना ही डालना है इसकी रूट अंदर, बाकी लीव्स इसके अंदर नहीं जाएं, तक क्योंकि फिर वापस से मिट्टी के टच में अगर लीव्स आती पत्तियाँ आती है तो उसमें फिर फंगस के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें बस जितनी जड़ अंदर चली जाए उतना ही पोर्शन अंदर रखना है, बाकी बस बाहर। तो इसमें कुछ दिनों में रूट्स डेवलप हो जाएगी और ये नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो अभी तो मैं इसको एक ही प्लांटर में लगा रही हूँ, जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी नई रूट्स आ जाएंगी उसके बाद मैं इसको सेपरेट कर दूँगी, सारे अलग अलग पॉट्स में इसको शिफ्ट कर दूँगी जितने ये प्लांट हैं। तो एक प्लांटर में मैं एक ही प्लांट लगाऊँगी, तो बट अभी तो ये इतने सारे हैं तो इसकी रूट्स आ जाएँ जब तक मैं इसको एक ही पॉट में लगा रही हूँ। तो ये सारे लगा दूँगी मैं इसमें, और फिर इसको वापस इसमें फंगीसाइड का पाउडर सॉरी पानी इसको दे देंगे, ताकि हमारे जो भी ये कटिंग से या नए प्लांट से उसमें फंगस नहीं लगे। तो इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें इसको लगाने हैं सारे प्लांट्स को, ये इस तरीके से। दैट्स इट, बस ये इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि अब हवा नहीं लगे इनको, इसकी रूट्स को, और ये अच्छे से ग्रो हो। बस ये इतना सा करना है और हमारे कटिंग या हमारे नए प्लांट्स बनके रेडी हो जाएंगे।
और ये हमें ये फंगीसाइड का पाउडर था जिसको मैंने जिस जो कि मैंने इन प्लांट्स को रखा हुआ था वो इसी में डाल दूंगी मैं, ताकि कोई फंगस की कोई चांस ना रहे। तो ये थी इसकी प्रोपगेशन वीडियो, या इसको कैसे बचाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।